हाय दोस्तों नमस्कार, मैं सुषकर्मा आईजी पिंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके लिए एक और वीडियो नया लेके आया हूँ। इस बार हम एप्सन L15150 पे आपको विनाइल प्रिंटिंगर दिखा रहे हैं जो कि प्लास्टिक शीट है। तो ये वो प्लास्टिक शीट है जिसको हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे एप्सन के L15150 में छपेगी, और हमें बहुत डाउट था और डाउट होना भी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक शीट एप्सन L15150 नहीं छापती है, क्योंकि मैंने NTRS स्टिकर छाप के देखा था बट वो स्याही निकल जाती है क्योंकि वो टोटल प्लास्टिक है। तो ये टोटल प्लास्टिक नहीं है, ये एक प्रकार से आपका वेलवेट जैसा प्लास्टिक शीट है। तो इसमें एप्सन L1515 पे बहुत ही बेहतरीन प्रिंट किया है जो हम आपको प्रिंट दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो प्रिंट है एप्सन L1515 पे छवि है और बहुत बेहतरीन छवि है इसकी क्वालिटी, और ये प्लास्टिक स्टिकर शीट है। तो ये सीट कस्टमर ने हमें लाके दिया, ये हमें नहीं पता कहाँ मिलता है, बट हमने तो पहले ही मना कर दिया हमारे प्रिंटर में नहीं छपेगा, बट हमने ट्राई किया और बहुत बेहतरीन ये हमारे प्रिंटर पे छापा। तो आइए ये हम इस बारे में बताते हैं किस प्रकार से हमने इसे छापा और हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी। तो चलिए बने रहिए, उससे पहले मैं बोलूँगा जो मेरे चैनल पे जो नया व्यूअर्स आया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें आगे अपने मित्रों को भाइयों को जो कि इस वीडियो देख के अपना खुद का सेटअप डाल सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम ये दिखा रहे हैं आपको सीट, ये देख लीजिए, ये थोड़ा मतलब अलग टाइप का सीट है और इसमें हमने प्रिंटिंग कमांड भी अलग दिया है। तो ये हमारी प्रिंट हो रही है, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ हमने इस सीट के लिए प्रिंट कमांड दिया है जो कि ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमने पहले तो ये दे दिया बाईपास पेपर क्योंकि हमने ये ऊपर लगाया पेपर। ठीक है, दूसरी बात क्योंकि सीट बहुत मोटी है और ये हुई है आपका A4 पेपर देख सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर अपन लगाया यहाँ पर लगाया अपन थिक पेपर मीन्स होता है कि मोटा पेपर, और यहाँ पर हमने लगा दिया हाई, थोड़ा मशीन स्लो चले। और यहाँ ऑप्शन में देखो यहाँ पर अपन ने टिक लगी हुई है, हटाया नहीं है ना, ये टिक हम 12-18 मैट पेपर के लिए 8 पेपर के लिए हम हटाते हैं, यहाँ पर नहीं हटाए। तो ये हमारी कमांड है, यहाँ हमने 26 सीट दे दिया है और ये हमारी 26 सीट प्रिंट हो रही है, देख सकते हैं आप, ये हमारी शीट निकल गई। इस सीट की खासियत देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, और ये एक वेलवेट टाइप का पेपर है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पेपर को हम छूते हैं तो ये वेलवेट टाइप का लगता है, और ये एक्चुअल है प्लास्टिक सीट, ये वेलवेट टाइप का लग रहा है। ये देखिए बैक साइड है और ये स्टिकर है, आपको दिखाते हैं, इसको समय निकाले थे, ये देखिए ये स्टिकर है। ठीक है, ये स्टिकर प्लास्टिक वेलवेट सीट है, अभी कहाँ मिला कैसे मिला मुझे नहीं पता, बट जिस कस्टमर ने ला के दिया है उसकी यही चीज़ रिक्वायरमेंट थी चलने के लिए, तो हमने इसे देख सकते हैं इसमें हमने छापा। अब इस चीज़ को हम इसमें भी क्वालिटी में आपको दिखा देते हैं कंपेयर वाइज जो बता रहे थे हम आपको। तो ये भी हमारा सीट चल रहा है, इसको हम इधर रखते हैं, और ये देखिए ये है हमने एप्सन की 805 में निकाला, ये सारे फाउंड देखिए फैड हो गए, देख रहे ये ऐसा बन गया, इधर देखिए ये दब गया है ना, तो ये ऐसे बोल्डनेस हो गए। अब ये हमने एप्सन के L15150 पे निकाला, देखिए क्लियर कितना है, देखिए कितना क्लियर है मैटर देखिए, और ये एक्चुअल कलर है, ये इसका 6 कलर है, ये 4 कलर है, और ये वाटर रजिस्ट्रेशन कलर है, और ये नॉर्मल अपना फोटो पेपर इंक कलर है। तो अब यही इससे कंपेयर समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कमरा छोड़ते समय पानी का नल एम लाइट, यहाँ लिखा कमरा छोड़ते समय पानी का नल, तो ये कितना क्लियर, ये क्लियर है और ये अपना वो हो गया है फैड हो गया है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आज अच्छी चीज़ हमें मिली कि इसमें मतलब तो एक वेलवेट प्लास्टिक सीट चल रही है हमारे, एक और निकल गया पेपर। अब इसको तो मैं ऐसा बता नहीं सकता बट मेरे को ये यहाँ महसूस होता है जब मैं इसमें हाथ चलाता हूँ, तो मेरे को एक गद्दे टाइप का कुशन टाइप का एक मतलब वेलवेट जो होता है वेलवेट टाइप की इसने मेरे को उसके लग रही है ऐसा करने पे वेलवेट टाइप का, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, चीज़ बेहतरीन क्वालिटी है
अगर कभी इस प्रकार का सीट आ जाए, ध्यान रखिए एक तरफ वाइट है और एक तरफ ये क्रीम कलर है, अगर इस प्रकार का कभी सीट आपके पास आ गया और आपके पास एप्सन L15150 या L15160 है, तो आपको कमांड क्या देना है, जो मैंने आपको बताया था सिंपल सा, यहाँ पर गए बायपास ले लेना पेपर A4 या A5 A3 जो भी है वो, और थिक पेपर मतलब मोटा पेपर है, हाई में चलेगा मतलब मशीन थोड़ी धीरे चलाना है, ठीक है। इतना करके आप प्रिंट कमांड दे दीजिए और मशीन में छापिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ आपको, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया निकलती है प्रिंट। ये हमारा चल रहा है प्रिंटिंग, देखिए अभी हमें 26 सीटें छापनी है, हमारे यहाँ पर चल रही है प्रिंटिंग, हमने डाल दी है प्रिंटिंग में, तो ये हमारा प्रिंट देख सकते हैं आप, बेहतरीन। मेरे हिसाब से ये विनाइल पेपर है, तो ये निकल गया देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये विनाइल पेपर है, जो मैं बहुत सुना था कि प्लास्टिक विनाइल पेपर होता है जो इंकजेट प्रिंटर में चलता है, बट वो मैंने आपको दिखा दिया इंकजेट में किस प्रकार से फैड हो जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट है और ये मैट वाली पेपर अपना वो इंक है आर्ट वाली, इसलिए इसमें छपा है, नहीं तो ये भी नहीं छपता। तो इतना क्लियर व्यू आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी के साथ, तो ये छप के हमारा रेडी है। तो ये हमारा और सीट चल रहा है देख सकते हैं, क्वालिटी तो बेहतरीन है इसकी क्वालिटी, एप्सन के प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी रहती है और इस प्रिंटर की तो और ज़बरदस्त क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पेपर रिव्यू मशीन खींचेगा, ठीक है।